अचानक सबको इतनी थकान क्यों हो रही है? और स्वयं मुझे भी थकान का अनुभव हो रहा है। पर्वत श्रृंखला को तो पार कर लिया हमने, परंतु अब एक पग भी आगे बढ़ाना दुष्कर हो रहा है। प्रभु, हमारी सेना को अचानक क्या हो गया? इतनी लंबी यात्रा में तनिक भी नहीं थके, बड़े उत्साह से कैलाश से अभी तक चलते रहे, तो अब इस थकान का क्या कारण है प्रभु? यात्रा में ऐसा ही होता है मूषक जी, जब तक मार्ग पर होते हैं तो थकान पता नहीं चलती, किंतु जब यात्रा का अंत निकट आता है और ये हमें भी ज्ञात हो जाता है, तब अचानक तन की थकान मन को भी घेर लेती है। इस अवस्था में मैं सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करूं? मैं तो चाहकर भी भ्राता की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि पाशुपतास्त्र भ्राता को कैसे प्राप्त होगा ये तो प्रभु ने भी नहीं बताया, और यहाँ तो इनकी संपूर्ण सेना थकान में डूबी हुई है, तो अब भ्राता क्या करेंगे? अंततः हम समुद्र के निकट पहुंच गए। मुझे आगे की यात्रा को संपन्न करने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए प्रभु की पूजा करनी होगी। आप सभी यहीं विश्राम कीजिए, मैं पूजा करके लौटता हूं। सेना तो इन बादलों के कारण दिखाई ही नहीं दे रही, अब हम उन पर दृष्टि कैसे रखेंगे प्रभु? उन पर कोई संकट आ गया तो? हुँ? आप निश्चिंत रहिए मूषक जी, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। भ्राता, आपसे दूर रहकर भी मैं आपके साथ हूँ, आपका अनुज गणेश सदा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा। शिला तो बिल्कुल शिवलिंग की भांति ही प्रतीत हो रही, कदाचित प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जय भोलेनाथ।
मैंने कहा था कि यहाँ प्रभु कोई ना कोई संकेत अवश्य देंगे मुझे। मैं यहीं इस शिवलिंग को स्थापित कर प्रभु की पूजा करूंगा। वीरबाहु, उसे चला भी नहीं जा रहा। हे प्रभु, मेरी इस पूजा को स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिर्थो ग्रहसः महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्। प्रभु आपके श्रीकाल हस्ती धाम में मेरी पूजा स्वीकार करें। स्वामी, प्रणाम प्रभु। आपके इस परम धाम पर स्वामी की यात्रा के अंतिम चरण के आभास से मैं धन्य हो रही हूँ। समय आ गया है जब मुझे पुत्र कार्तिकेय को पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए तैयार करना चाहिए। तैयार तो मुझे भी करना है देव सेना को उसके भावी जीवन के लिए। प्रभु, मैं तो स्वामी कार्तिकेय के पद चिन्हों पर चलते हुए पंचभूत लिंगों की यात्रा संपन्न कर अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रही हूँ। किंतु प्रभु, आपसे इतनी विनती है, आशीष दीजिए मेरे स्वामी नाथा को कि वो भी आपके पद चिन्हों पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
एक बार पुनः आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ। हे जगत पिता, मैं अपनी सभी भूलों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पंचभूत लिंगों की यात्रा के पश्चात भी अब तक मुझे पशुपतास्त्र की प्राप्ति नहीं हुई है, और आपको तो सब कुछ ज्ञात है प्रभु कि इस समय मुझे पशुपतास्त्र की कितनी अधिक आवश्यकता है। मुझे अन्य देवताओं की रक्षा करनी है, मुझे देवराज पुत्र जयंत की रक्षा करनी है, और उन दुष्ट असुरों का सर्वनाश करना है प्रभु। इसीलिए इस यात्रा में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, पशुपतास्त्र एक महान और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। उसे प्राप्त होने की योग्यता प्रमाणित करने में तीन आवश्यक चरण हैं। सर्वप्रथम कठोर श्रम, दूसरा निराश हुए बिना पूर्ण निष्ठा से निरंतर उसे पाने की चेष्टा, और तीसरा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उस अस्त्र को संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। माँ, आपको अनेकों धन्यवाद। आपकी आशीष से ही मैं अपनी इस यात्रा की पूर्णता के निकट पहुंची। हाँ पुत्री, इस कठिन यात्रा को पूर्ण कर तुमने भक्ति, निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया। तुमने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के दो चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है पुत्र, अतः मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। दिव्य दृश्य है ये। सृष्टि के समस्त पशुओं की ऊर्जा से इस महान अस्त्र पाशुपतास्त्र का निर्माण हो रहा है। I'm
पुत्र पाशुपतास्त्र तुम्हारे समक्ष है, इसे प्राप्त कर, इसे प्राप्त। जिनके आघात से ये सिंहासन चकनाचूर हो गया। कैसा घोर अनर्थ है, क्या अस्त्र है ये? ये क्या हुआ? अवश्य ये भ्रम था मेरा, किंतु फिर ऐसे भयानक अस्त्र की कल्पना क्यों की मैंने? ऐसा भयावह दृश्य क्यों दिखाई दिया मुझे? इस अभेद्य राजमहल में कोई मायावी अस्त्र कैसे प्रवेश कर सकता है भला? इस महान शक्तिशाली पाशुपतास्त्र का प्रयोग इतना सरल नहीं है। तुम्हें इसकी प्राप्ति का तीसरा चरण पूर्ण करना होगा और तुम्हें ये प्रमाणित करना होगा कि तुम पाशुपतास्त्र के दायित्व को संभालने योग्य हो। आप बस आदेश दीजिए, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। संयम, ये एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध। जिसने संयम पर विजय प्राप्त किया वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए पाशुपतास्त्र को संभालने के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। जो संयमित है वही योग्य है। आगे की यात्रा में तुम्हें संयम बनाकर रखना होगा, तभी तुम्हारी यात्रा संपन्न होगी और तुम पुत्र कार्तिकेय से भेंट कर सकोगी। विवाहित जीवन में आने वाले मनमुटाव को दूर करता है, पति पत्नी की आपस में समझ पड़ाता है। इसलिए विवाह के 7 वचनों में से एक वचन है, परस्त्रियम मातु समा समिक्षम स्नेहम सदा चेन मई कांत कूर्या, जिसे पति पत्नी के मधुर संबंध कोई पर पुरुष अथवा पर स्त्री अविश्वास का बीज बोने में सफल न हो सके। और ऐसे विश्वास भरे संबंध की दृढ़ता संयम पर ही आधारित है। धन्यवाद माँ। संयम का परिचय देने के लिए तुम्हें मौन व्रत रखना होगा। आपका वचन मेरे लिए आदेश है, आप जो भी व्रत कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तब शस्ती मौन व्रत धारण कर, तब शस्ती मौन व्रत धारण कर। मैं आपको ही साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि कल प्रातः से मैं 6 दिन का शस्ती मौन व्रत धारण करूंगा। व्रत के प्रत्येक दिन का आरंभ मैं प्रभु पूजा में 1 सहस्त्र 8 बेलपत्र और 1 सहस्त्र 8 पुष्पों के अभिषेक से करूंगा। दिन में एक ही बार भोजन करूंगा और भोजन की मात्रा भी उतनी ही होगी प्रभु, जितनी आपके प्रसाद से एक बार में मेरी मुट्ठी में आ जाए। इस परीक्षा में जिस संयम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है मैं उसे प्रमाणित अवश्य करूंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। कल्याण हो पुत्र, सफल सफल। इस परीक्षा में जिस संयम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है मैं उसे प्रमाणित अवश्य करूंगा। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, दया निधान कृपा कीजिए। माया जहां विफल हो जाए वहां भूखे असुरों की क्रूरता भक्तों की भक्ति के भ्रम को मिटा देती है।
यहाँ से मुक्त होने का क्या मार्ग है? अब यहाँ और कौन सा संकट छाने वाला है? अंधकार ही नहीं, इस पिंजरे में भी बंद कर दिया है माँ ने हमें। किंतु जयंत मुक्त कैसे है? और वो पशु स्वर किन पशुओं का था? तुम्हें भूखा रख कर अंत नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, अब मेरे भेजे हुए भूखे असुर तुम्हारा अंत अवश्य करेंगे। मात्र 6 दिन दे रही हूं तुम्हें, इन 6 दिनों में एक एक कर इन्हें रोकने वाली 6 बाधाओं को तोड़ूंगी मैं। 6 दिन बढ़ने दूंगी इनकी भूख, जिससे वो अपने चरम पर पहुंच सके। इन 6 दिनों में अपने भगवान कार्तिकेय को बुला सकते हो तो बुला लो। भाभी माँ तो अत्यंत निकट पहुँच गई हैं और मैं अभी तक भ्राता को विवाह के लिए मनाने में सफल नहीं हो पाया। यदि भाभी माँ को देखकर भ्राता क्रोधित हो गए और भाभी माँ इस बात से अपमानित अनुभव कर लौट गई तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपको प्रथम बार इतना चिंतित देखा है मैंने। चिंता का ही तो विषय है मूषक जी, एक और जयंत पर निरंतर संकट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सेना अब बिल्कुल क्लांत हो चुकी है और अब भाभी माँ भी यहाँ पहुँच गई हैं। पता नहीं इन संकटों का कैसे निवारण होगा। वाह, कितना उत्तम है मूषक जी, भाभी माँ के आगमन से हमारी सेना पुनः ऊर्जावान हो रही है। पुत्र जयंत, प्रत्येक संकट का सामना बिना डरे किया है जयंत ने, किंतु वो है तो अभी भी अबोध बालक ही। इतने भयंकर पशु असुरों को देखकर तो महायोद्धा भी भयभीत हो जाए। मेरे प्रभु ही मेरे रक्षक हैं, वो हर बार के समान इस बार भी मुझे सुरक्षित अवश्य रखेंगे। प्रभु अब मेरे रक्षा करेंगे ना? आनंदित हुआ इनके मुख पे भय देखकर। कब से मेरी आंखें प्रतीक्षा कर रही थी ये भय को देखने के लिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करेंगे ना? प्रभु आप मेरी रक्षा करेंगे ना? हे प्रभु, मेरी रक्षा करेंगे ना? प्रभु, अब आपके मुख में ये चिंता की रेखा क्यों है? चिंता मुझे जयंत और अन्य देवताओं की भी है।
और साथ ही हमारी संपूर्ण सेना की भी है वीर भाव। वहां वो दुष्ट उन सबको सुरक्षित रहने नहीं देगा और उन सब की सुरक्षा मेरे अतिरिक्त कोई और कर भी नहीं सकता है। और तो और, क्या मेरी संपूर्ण सेना इतनी लंबी यात्रा करके ऊर्जा विहीन हो चुकी है? अब इन सब में ऊर्जा का पुनः संचार होगा कैसे? कुछ भी हो, करना तो मुझे ही कुछ होगा अब। परंतु ऐसी स्थिति में जब जैन संकट में है एवं देव सेना ऊर्जा विहीन हो रही है, मैं अपना मौन व्रत कैसे आरंभ करूं? शीघ्रता कीजिए प्रभु, भाभी माँ अब पहुंचती ही होंगी। जम्बुकेश्वर आने से पूर्व ही मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस यात्रा के अंतिम चरण में तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, इसीलिए अब तुम यहीं रुको और हमें आगे बढ़ने दो। यदि मैं एक पग भी आगे बढ़ाऊंगा तो उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा जहां भ्राता हैं, और उनसे अनुमति लिए बिना ऐसा किया तो उनके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये तो बड़ी उलझन हो गई है, अब मैं क्या करूं? हमारी सेना ऊर्जावान हो गई है, ये कैसे संभव हुआ प्रभु? भाभी माँ का नाम ही देव सेना है, अर्थात वो शक्ति है, देवताओं की संपूर्ण सेना की ऊर्जा। इनका यहाँ आना देवताओं की ऊर्जा का आधार बनेगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हमारी सेना का नेतृत्व मैं संभाल लूंगा। और प्रभु, मैं जयंत और देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रस्थान करूंगा। वीर बाहु का जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति जी। युद्ध के विषय में मैं आपको अपना परामर्श देने हेतु आ गया। आपने सर्वथा उचित कहा, न केवल जयंत और देवताओं की रक्षा के लिए अपितु हमें युद्ध के नियमों का पालन करते हुए एक अंतिम बार युद्ध विराम का प्रयास करना हो, इसलिए युद्ध के पहले एक बार हमें विनयपूर्ण शांति का संदेश भेजना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी जाकर सबकी रक्षा करूंगा और उस दुष्ट असुर को सुबुद्धि भी प्रदान करूंगा। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरबाहु, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। वैसे वो यहाँ की गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखने के लिए यहीं कहीं निकट में ही होगा। हाँ भ्राता, मैं अपनी दृष्टि तो बनाए हुए हूँ, किंतु मुझे ज्ञात नहीं इस स्थिति का सामना कैसे करूँ। वो यहाँ पहुँच चुकी है। देवगुरु, आपके इस नीति संकट सुझाव के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण। आज्ञा दीजिए प्रभु। वीरबाहु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने कहा था आगे बढ़ने के पूर्व आपको प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त करनी होगी। किंतु देवराज, प्रभु कार्तिकेय
और प्रभु गणेश दोनों परम ब्रह्म हैं, इसलिए प्रभु कार्तिकेय से आशीष लेना गणेश जी से आशीष लेने के समान भी तो है। इसलिए इस समय मुझे तनिक भी विलंब किए बिना जयंत और देवताओं की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। और अभी गणेश जी को ढूंढने लगा तो बहुत समय बीत जाएगा और जयंत की सहायता में मुझे देर हो जाएगी। किंतु भ्राता, महेंद्रपुरी तो लंका से भी आगे है, फिर आप इस सागर को पार कर वहां कैसे पहुंचेंगे? चिंता मत करो भ्राता, प्रभु ने आज्ञा दी है तो मार्ग भी सुगम बना देंगे। वीरबाहु प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त किए बिना ही आगे बढ़ गए, कहीं उनके मार्ग में कोई संकट न उत्पन्न हो जाए। स्वामी कार्तिकेय के भक्त संकट में हैं, मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि भ्राता होने वाली भाभी माँ को देखने के पहले ही अपना मौन व्रत आरंभ कर लें और मुझे अपने अंतिम उपाय का प्रयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आज से अगले 6 दिन तक संपूर्ण संयम एवं एकाग्रता के साथ अपना मौन व्रत पूर्ण कर यह सिद्ध करूंगा कि मैं पशुपतास्त्र धारण करने के योग्य हूं।
कुछ भी अहितकर होने से रोकने का एक ही उपाय है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। देवसेना क्या? पुत्री, ये तुम्हारी दिव्यता ही जिसके कारण समस्त देवसेना में एक नवीन ऊर्जा जागृत हुई है। हम सभी में एक उत्साह उत्पन्न हुआ। ऐसे ही तुम्हें देवसेना नहीं कहा जा रहा। कदाचित अब तो अंतिम उपाय अपनाना ही होगा। किंतु आपका अंतिम उपाय क्या है प्रभु? गणेश जी, ये रही मेरी पुत्री देवसेना। मुझे ज्ञात है देवराज, यही तो चिंता है मेरी। गणेश जी, ये रही मेरी पुत्री देवसेना। मुझे ज्ञात है देवराज, यही तो चिंता है मेरी। चिंता? गणेश जी, इसमें चिंता की क्या बात? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने भावी पति, अपने स्वामी से भेंट करने के लिए यहाँ आई और फिर मेरी घोषणा अनुसार सुरापद्म के अंत के बाद विजयी हुए कुमार कार्तिकेय से ही उसका विवाह होगा। विवाह की ही तो समस्या है देवराज, कदाचित आपने ध्यान नहीं दिया। इस यात्रा में पग पग पर मैं भ्राता कार्तिकेय से विवाह की ही बात करता रहा। कथाओं से उन्हें विवाह संबंधित ज्ञान भी देता रहा, किंतु विवाह में उनकी रुचि जागृत करने में असफल रहा। तो ऐसे समय में जब पाशुपतास्त्र को प्राप्त कर दुष्टों का संहार ही भ्राता का एकमात्र लक्ष्य है, तो उनके मौन व्रत ध्यान के आरंभ के पहले भाभी माँ देवसेना का यहाँ पहुँचना कहीं एक नवीन संकट ना खड़ा कर दे। आप उचित कह रहे गणेश जी, किंतु यदि उन्होंने देवताओं की और समस्त देवसेना की ऊर्जा बनी पुत्री देवसेना को लौटा दी और हमारे सभी योद्धा पुत्री देवसेना के मनोभाव के ही समान दुखी और ऊर्जा विहीन हो जाएंगे। इसलिए तो भ्राता के देखने के पूर्व भाभी माँ को रोकना आवश्यक है, किंतु ये कैसे होगा? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपका बुद्धि कौशल, आपकी ओजस्वी वाणी, आपकी युक्ति, आपके वचन सदैव सार्थक रहे। आप किसी को भी कुछ भी समझाने में सफल रहे, इसलिए पुत्री देवसेना को समझाने का कार्य भी आप ही को करना होगा। किंतु आप भी तो समझिए देवराज, मैं उनका भावी देवर भला उन्हें भ्राता से भेंट करने से कैसे रोक सकता हूँ? गणेश जी, अब सोचने समझने का समय बिल्कुल भी नहीं। अब प्रथम पूज्य भविष्य में सुख को निर्धारित करने वाली इस दिव्य घटना को दुखद घटना में परिवर्तित होने से आपको रोकना होगा। इससे पूर्व की कोई विघ्न उत्पन्न हो, आपको इसका समाधान ढूंढना होगा। आप ही अपने अचूक उपाय से, अपने प्रबल बुद्धि से कुछ कीजिए विघ्नहर्ता गणेश जी। इंद्रदेव उचित कह रहे हैं प्रभु, ये कार्य तो मात्र आप ही कर सकते हैं। देवराज, इंद्र मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मुझे वो कार्य करने को कह रहे हैं जो मेरे लिए भी असंभव है? देवराज, इंद्र ने स्थिति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अब तो मुझे ही जाना होगा। किंतु मैं कहूँगा क्या और कैसे कहूँगा? उन्हें आगे बढ़ने से कैसे मना करूँगा एवं कैसे इस होने वाले अनिष्ट को रोक पाऊँगा? स्वामी, मैं आपके निकट पहुँच ही रही हूँ, अब शीघ्र मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होंगे।